जैसे इन्होंने कहा कि तलाश, मैं कह सकता हूं कि आज इन अ वे मेरे लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है एक्टिंग सिखाना, ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूं इसलिए मैं एक्टिंग सिखाऊं, इसलिए कि कहीं ना कहीं एक्टिंग सीखना आजकल ज़रूरी हो गया है। वो ज़माना गया जब दिलीप साहब, राज कपूर और ये सब जितने भी देवानंद साहब, वो कभी किसी स्कूल से नहीं निकले, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट करते करते, नया करते करते सीख के वो बन गए अनुभवी। आज के युग में मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से, मैंने भी 2 साल का एक्टिंग कोर्स किया रोशन तलेजा साहब के साथ, तो मेरा ये मानना था कि आज का प्रोड्यूसर जो है वो, उसके पास वक्त नहीं है। आज कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, सर आप नेपोटिज्म के बारे में क्या बोलेंगे कि ये गॉडफादर होते हैं कि नहीं होते। मैंने कहा यार देखो, कुछ नहीं होता, कोई किसी का माय बाप नहीं है। हीरो का भी लड़का होता है तो तब तक चलता है जब तक वो चलता है, उसके बाद हीरो भी कुछ नहीं कर सकता। सो नेपोटिज्म तो ठीक है, आपको पहला चांस मिल जाता है, भाई भतीजा ने दे दिया, लेकिन अल्टीमेटली काम बोलता है। और मैंने कई बार देखा है कि प्रोड्यूस, हालांकि अभी तो रील नहीं है, उस जमाने में तो रील चलती थी, प्रोड्यूसर का ब्लड प्रेशर है, होता था टेक जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तो कभी कभी एक टेक में गलती, 2 टेक 3 टेक, और हमारे सुभाष भाई साहब तो यूसुफ भाई के साथ भी बोलते हैं एक्सलेंट वन मोर, वो 29 टेक ले लेते। पर जब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रगलर्स, जब स्ट्रगलर्स आता है ऑडिशन देने के लिए, या समझ लीजिए कि उनको सेलेक्ट कर दिया, फिर शूटिंग शुरू होती है, कैमरे के सामने प्रोड्यूसर तो बैठा रहता है, और फिर लड़का अगर थोड़ा सा नर्वस, जो अक्सर हो जाते हैं, उन्होंने 1 टेक किया 2 टेक किया 3 टेक किया, तो प्रोड्यूसर पूछता है किसको पकड़ कर लेकर आया यार, तो बोलेगा सर वो अच्छा है, नेक्स्ट टाइम मत लाना इसको फिर, तो यू नो वो पता कट जाता है, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल कैमरे के सामने, बड़े बड़ों की तलवारें हिल जाती हैं। कोई आदमी जोक मारता है ज़िंदगी में, इतना जोक मारता है, डांस करता है, ये करता है, उसको आप बोलेंगे यार अच्छा जोक था, एक है यार ये मेरे कैमरे में, बोलो ना उसको चाहिए, तो अब वो जैसे ही उसके बाद बड़े कैमरा सामने आ गया तो उसकी वो बोलता हाँ 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 देते, और वो फिर उसके बाद में वो उतना नेचुरल नहीं रहता जितना वो नेचुरल पहले था। कैमरा चलने का जो एक खौफ है, जो एक ज़माने में स्टेज भी था कि स्टेज फ्राइट कहते थे कि पब्लिक नीचे बैठे, बट कैमरे की फ्राइट हमारे ज़माने में से भी पहले, जब वो मिशेल कैमरा चलता था तो उसकी आवाज़ आती थी, आजकल तो साउंड नहीं है, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सो मुझे एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट करनी थी, मैंने मेरे एक दिमाग में एक कंसेप्ट आया था कि मैं पूरे देश भर के अपने अपने टाउन में एक एक क्लास खोलूँ, शक्तिमान इंस्टीट्यूट फॉर फिल्म एंड टेलीविजन। मैंने कहा कि ताकि बच्चे अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच, अपने ही दोस्तों के साथ में रहकर 3 महीने का कोर्स करके फिर बम्बई आवे, तो उनके दिमाग में एक खौफ था वो हट जाता है और लोग आते हैं। तो मैंने पहला जयपुर में खोला, फिर दूसरा मैंने आगरा में खोली, तीसरी मैंने पटना में खोली, और अभी बात चल रही है जयपुर की, फिर से चल रही है, जयपुर में पहले खोला था। मेरा ये मानना था कि आप अपने ही गाँव में पढ़िए, हम कुआँ प्यासे के पास लेकर आए, तो वो कंसेप्ट सबको पसंद आया, लेकिन अल्टीमेटली कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप बम्बई में क्यों नहीं खोल रहे, मुंबई बड़ी चीज़ है, या एक नहीं मैं समझता हूँ कितने डजन्स के ऊपर, मैं समझता हूँ इसी लेन में ही कम से कम हमारे रोशन तनया साहब भी हैं, जिनको मैंने पहले जयपुर क्लास में जो मैंने खोली थी, सर को कहा था सर आप मेरे वहाँ सिखाने जाएंगे, मान गए थे, और उन्होंने अपनी फैकल्टी भेजी थी, और खुद भी एक बार मेरे साथ आए थे। तो इस लाइन में आपको एक्टिंग क्लासेस मिलेंगी, इवन गणेश आचार्य का मेरे ख्याल से वो भी आगे है। सो मैंने कहा यार बम्बई तब करूँगा जब मेरे में मुझे प्रॉपर ग्राउंड लेवल मिल जाएगा, तो मैं अवॉइड कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर रोशन जी भी हैं, नमित कपूर भी है, अनुपम खेर भी है,
जिसको देखो अपने क्लासेस खोल के बैठा, अगर मुकेश खन्ना आता है तो फिर वो लोग ऐसा बोलते हैं, अच्छा दिखाइए मुकेश खन्ना क्या करते हैं। सो आई वॉज नॉट कॉन्शियस, मैं बहुत सीरियस आदमी हूँ, मैं जिंदगी में मैंने शायद लोग मुझे कहते हैं सर आप जैसा एक्टर फिल्मों में क्यों नहीं है, मैंने कहा मैं हूँ लेकिन मैं मांगता नहीं काम किसी से। तो मैंने सोचा बम्बई में तब खुलूंगा जब मुझे कोई प्रॉपर जगह मिलेगी और प्रॉपर आदमी मिलेंगे। अब प्रॉपर जगह तो एब्सोल्युटली प्रॉपर मिल गई, इसको मंडी हाउस ही कहते हैं, तो जगह तो मिल गई, ये लोग भी मुझे मेरे पास आए, इन्होंने मुझे कहा सर हम खोलना चाहते हैं, मैंने कहा आपको कॉन्फिडेंस है, बोला हाँ हम ऑलरेडी डांस स्टार्ट कर चुके हैं, डांस क्लासेस सिखाते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि थोड़ी मुश्किलें पैदा की, मैं हमेशा मुश्किलें पैदा करता हूँ कि ताकि आप क्लियर हो जाएँ कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और अल्टीमेटली मैंने रियलाइज़ किया कि ये लोग में जोश भी है, करना चाहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट शक्तिमान इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग फॉर फिल्म्स एंड टेलीविजन इन मुंबई।